Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about Wilms tumor. And in my previous video, I have explained about fetal alcoholic syndrome in detail. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. सो जो विल्म्स ट्यूमर होता है ये पीडियाट्रिक्स में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ये पीडियाट्रिक्स में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा. विल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, मीन्स ट्यूमर ऑफ किडनी इन चिल्ड्रन. ये किडनी का ट्यूमर होता है चिल्ड्रन के अंदर. जब किडनी के अंदर चिल्ड्रन के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल डिवीज़न होने लग जाती है एबनॉर्मल सेल्स की किडनी के अंदर, तो उसको कहते हैं विल्म्स ट्यूमर, जिसको कहते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा. एंड ये थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है चाइल्ड के अंदर. फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है एक्यूट लिम्फोइड लिम्फोमा, ठीक है, ये फर्स्ट होती है. एंड सेकेंड कौन सी होती है? मेडुलोब्लास्टोमा, या जिसको न्यूरोब्लास्टोमा भी कह सकते हैं, ये सेकेंड होती है. एंड जो थर्ड होती है वो होती है विल्म्स ट्यूमर. ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. इसका जो मेटास्टेसिस होता है, मीन्स ये स्प्रेड होता है कौन से दूसरे ऑर्गन में, ये सबसे पहले स्प्रेड होगा. सबसे पहले ये जो ट्यूमर होता है ये फर्स्ट लंग्स में स्प्रेड होता है. लंग्स में इसका मेटास्टेसिस होता है. जब अपनी लोकल प्लेस से जो ट्यूमर होता है दूसरी जगह पर स्प्रेड होने लग जाए, दूसरे ऑर्गन को भी कवर कर ले, ठीक है, दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करने लग जाए, तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस. सो फर्स्ट इसका मेटास्टेसिस होता है लंग्स में, देखने को मिलता है. एंड सेकेंड नंबर पे लीवर में देखने को मिलता है. एंड ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम. सो कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं विल्म्स ट्यूमर के अंदर, जिसमें मोस्ट कॉमन जो साइन जो देखने को मिलता है, ये होता है एब्डोमिनल मास. एब्डोमिन वाला एरिया होता है वहाँ पर मास फील होता है एक, ठीक है, ये पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है. मोस्ट कॉमन इसमें देखने को मिलेगा एब्डोमिनल मास. सेकेंड इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है हिमेच्यूरिया, मीन्स यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलता है. यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्लड. नेक्स्ट इज स्वेलिंग इन द पेरिटोनियल कैविटी. जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है इसकी वजह से. नेक्स्ट इस ट्यूमर की वजह से रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, रेडनेस के साथ साथ यहाँ जो एरिया होगा वहाँ पर वॉर्म्थ देखने को मिलेगा, रेडनेस एंड वॉर्म्थ फील होगी. नेक्स्ट कॉजेस. सो किस वजह से एक कॉज होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है. जो क्रोमोसोम होते हैं जब उनमें किसी, तो जो 11th एंड जो 13th नंबर का क्रोमोसोम होता है जब उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो उसमें ये देखने को मिलता है. सो जो 11th एंड 13th नंबर की जब भी एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, इन क्रोमोसोम्स की, तो विल्म्स ट्यूमर देखने को मिलेगा. जो 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होता है कौन से जीन के अंदर? QT1, या जिसको कहते हैं WT1 जीन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड इन जीन का क्या काम होता है? ये सुप्रेस कर देते हैं जो ग्रोथ होती है नेफ्रॉन की, उसको सुप्रेस कर देंगे. अब इन्हीं जीन के अंदर, इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो ये सुप्रेस नहीं करेंगे जो ग्रोथ होगी नेफ्रॉन की, ठीक है. जब ग्रोथ जो सुप्रेस नहीं होगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से विल्म्स ट्यूमर कॉज होता है, किडनी का ट्यूमर कॉज होगा. क्योंकि जिस ग्रोथ को ये क्रोमोसोम रोकने का काम करते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है, तो अब जो ये ग्रोथ होगी ये ज़्यादा देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज एबनॉर्मेलिटी इन द 11th क्रोमोसोम, एबनॉर्मेलिटी इन द QT1 जीन, ठीक है. एबनॉर्मेलिटी होगी 11th क्रोमोसोम में तो एबनॉर्मेलिटी होगी QT1 जीन में, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी नेफ्रॉन की. एंड इस एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से देखने को मिलेगा नेफ्रोब्लास्टोमा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेजेस और ग्रेड ऑफ विल्म्स ट्यूमर. जो ग्रेड 1 होता है इसमें ट्यूमर इन लोकल पार्ट ऑफ किडनी.
सो इसके अंदर जो ट्यूमर होता है ये लोकल पार्ट में होता है किडनी के, ठीक है, किडनी वाले एरिया में ही रहता है, अभी दूसरे किन्नी भी ऑर्गन पे ये स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जा सकती है, नेफ्रेक्टमी परफॉर्म की जा सकती है, मीन्स किडनी का रिमूवल होता है उसको कहते हैं नेफ्रेक्टमी। सो ये परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड सेकेंड। जो ग्रेड सेकेंड होता है इसमें क्या होगा, ट्यूमर इन वॉल वन साइड किडनी, उसमें तो सिर्फ लोकल पार्ट में था किडनी के, कुछ ही एरिया में था ग्रेड वन में जो ट्यूमर था। नाउ जो ग्रेड सेकंड है इसमें जो ट्यूमर होता है ये पूरी एक किडनी में होगा, ठीक है, अब कुछ एरिया में नहीं होगा, ये पूरी एक किडनी में होगा। इसके लिए सर्जरी की जाएगी यूनिलेटरल नेफ्रेक्टमी। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड की किडनी को रिमूव करना, अगर बाइलेटरल होता तो मीन्स दोनों साइड की किडनी को रिमूव करना। सो ग्रेड सेकंड में की जाएगी यूनिलेटरल नेफ्रेक्टमी। नेक्स्ट इज़ ग्रेड थर्ड। जो ग्रेड थर्ड होगा इसमें ट्यूमर इन सराउंडिंग लिम्फ नोड ऑफ किडनी, जो ट्यूमर होगा वो सराउंडिंग लिम्फ नोड पे स्प्रेड हो जाएगा, जो आसपास वाली जो लिम्फ नोड होंगी जो किडनी के पास प्रेजेंट होगी वहाँ पर ये स्प्रेड हो जाएगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाएगी रेडिकल नेफ्रेक्टमी। रेडिकल नेफ्रेक्टमी का मीनिंग होता है किडनी प्लस लिम्फ नोड दोनों को रिमूव करना, ठीक है, जो सराउंडिंग लिम्फ नोड जहाँ पर ट्यूमर स्प्रेड हुआ है एंड किडनी को रिमूव करना। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेड फोर्थ। सो जो ग्रेड फोर्थ होता है इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। मेटास्टेसिस मीन्स वन ऑर्गन टू अनादर ऑर्गन स्प्रेड होना ट्यूमर का, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। तो इसमें जो फर्स्ट लंग्स में स्प्रेड होगा, ठीक है, एंड सेकेंड स्प्रेड होगा लीवर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें सर्जरी की जाएगी नेफ्रेक्टमी प्लस न्यूमेक्टमी, ठीक है, ये दोनों परफॉर्म की जाती हैं। नेफ्रेक्टमी का तो मीनिंग हो गया सर्जिकल रिमूवल किडनी का, एंड न्यूमेक्टमी होता है सर्जिकल रिमूवल लंग्स का, उसको कहते हैं न्यूमेक्टमी, ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट होगा लंग्स का उसको रिमूव किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज लास्ट जो ग्रेड है वो है फिफ्थ। इसमें आएगा ट्यूमर इन बोथ साइड किडनी, इसमें ट्यूमर प्रेजेंट होता है किडनी के बोथ साइड में। सो इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाएगी जिसको कहेंगे बाइलेटरल नेफ्रेक्टमी। इसमें बाइलेटरल नेफ्रेक्टमी परफॉर्म की जाती है, मीन्स बोथ साइड की जो किडनी होती है उसको रिमूव करना, ये होता है बाइलेटरल नेफ्रेक्टमी, क्योंकि ग्रेड फिफ्थ के अंदर जो ट्यूमर है दोनों किडनी में स्प्रेड हो चुका होता है, दोनों किडनी अफेक्टेड होती है ट्यूमर से। सो ये फाइव इंपॉर्टेंट ग्रेड्स थे विल्म्स ट्यूमर के। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के अंदर इसमें कीमोथेरेपी परफॉर्म की जाती है। सो कीमोथेरेपी के अंदर कुछ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो दी जाती है पेशेंट को, ठीक है, ये ट्रीट करती है कैंसर को, जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको ये सुप्रेस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में इसमें हाईली आयोनाइज जो रेडिएशंस होता है उनका यूज़ किया जाता है जो ट्यूमर वाला एरिया होता है वहाँ पर, ठीक है, उनकी जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उनको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, किल कर किया जाता है इसके अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको, उनके जो एबनॉर्मल डिवीज़न होती है उसको रोका जाता है इस थेरेपी से। सो ये होती है रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस में क्या आएगा, रीनल बायोप्सी इज़ फुली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विल्म्स ट्यूमर। जो रीनल बायोप्सी होती है बिल्कुल परफॉर्म नहीं की जाती विल्म्स ट्यूमर के अंदर, ठीक है, बिकॉज अगर रीनल बायोप्सी परफॉर्म की गई तो इट विल रप्चर द ट्यूमर, इसकी वजह से जो ट्यूमर है वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, तो इसमें रीनल बायोप्सी नहीं परफॉर्म की जाती, इसमें एब्डोमिनल यूएसजी परफॉर्म किया जाता है, जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसका यूज़ किया जाता है विल्म्स ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए। एंड जो पाल्पेशन होता है ये भी फुली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है विल्म्स ट्यूमर के अंदर, पाल्पेट भी नहीं करना होता ट्यूमर वाले एरिया को। So guys, that's it for today. In our next video, we will study about respiratory distress syndrome. And
That's it for today. I hope you understood the video and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.